व्हाट इफ आई टेल यू, इस छोटी सी डिवाइस से हमारे नल का 90% तक का पानी बचाया जा सकता है, वो भी बिना पानी का फ्लो कम करे। वेल, ये है गौतम जी, जिन्होंने ऐसे ही हर नल में फिट होने वाले एयरेटर्स बनाए हैं, जिससे पानी को वेस्ट होने से 90% तक बचाया जा सकता है। लेकिन एयरेटर्स होता क्या है, ये एयरेटर्स कैसे वर्क करते हैं, और अभी तक गौतम जी की वजह से कितने लीटर्स पानी बचाया जा चुका है? अकॉर्डिंग टू रिपोर्ट्स, ऑन एन एवरेज एक इंडियन डेली 150 लीटर पानी यूज करता है, फिर चाहे वो यूटेंसिल्स धोने में हो, टूथब्रश करने में या फिर नहाने में। ये सब हमारे डेली रूटीन का हिस्सा है, तो हम इसे इग्नोर भी नहीं कर सकते। पर जितना पानी यूज होना चाहिए उससे कहीं गुना ज्यादा हम वेस्ट कर रहे हैं, और इसी प्रॉब्लम को नोटिस किया गौतम जी ने और बनाए ये एयरेटर्स। हमारे कंट्री में वाटर लिटरेसी बहुत पुअर है, बहुत लोग पानी बचाना चाहते हैं लेकिन जानते नहीं है किस तरीके से बचाएं। स्ट्रेंजली शहरों के मुकाबले गांवों में पानी कम वेस्ट होता है। शहरों में पानी पाइपलाइन से आता है, टैंक से आता है, जिसके कारण बहुत ज्यादा मिसयूज होता है, बल्कि गांवों में लोगों को पानी आज भी दूर दूर जाके लेके आना पड़ता है, कभी कभी तो 4 से 5 किलोमीटर तक वॉक करना पड़ता है। लेकिन गौतम जी ने हमेशा वाटर को एक वैल्यूएबल सोर्स की तरह ही देखा, और वाटर वेस्टेज बचाने के लिए एक छोटा सा लेकिन बहुत ही एक्स्ट्राऑर्डिनरी सॉल्यूशन निकाला। लेट्स सी हाउ। मैं असम के एक छोटे से गांव ग्वालपाड़ा से बिलोंग करता हूं, और मैं नेचर के हमेशा करीब रहा हूं, तो मुझे नेचर की बहुत रेस्पेक्ट है। फर्दर स्टडीज के लिए जब मुझे शहरों में जाना पड़ा, खासकर की मुंबई में, जब मुझे मालूम पड़ा कि वाटर की कितनी स्कैसिटी है, लोगों को कितनी तकलीफ होती है, तो मैंने सोचा क्यों ना इस तकलीफ को दूर करने के लिए कोई सॉल्यूशन लाया जाए। फिर गौतम जी दिन रात इस पे रिसर्च करने लगे, पर फाइनली उनको इसका सॉल्यूशन मिला एयरेटर्स में। मुझे वाटर सेवर्स के बारे में इंटरनेट से मालूम पड़ा। एडवांस कंट्रीज में वाटर सेविंग नॉर्म्स है, आप पानी एफिशिएंटली अगर यूज करते हो तो आपको रिबेट्स भी मिलते हैं। हमने सोचा 2010 में एरेटर्स, फ्लो रेस्ट्रिक्टर, नो फ्लश यूरिनल, इन सब का नॉलेज एंड टेक्निक्स हम कंपनीज को, होटल्स को समझाएं एंड पानी बचाएं। नाउ लेट्स सी कि ये एरेटर्स वर्क कैसे करते हैं। साइंस है लेकिन सिंपल है। जब ये एरेटर इस नल में लग जाता है तो इस नल के जो वाटर पैसेज को बहुत छोटा कर देता है, और साथ में ही प्रेशर को एडजस्टमेंट भी करता है। इसका मतलब ये हुआ कि इवन दो पानी ज़्यादा आएगा लेकिन फ्लो कम रहेगा। जहाँ एक टैप एक मिनट में 15 से 20 लीटर पानी फ्लो कर देता है, ये एरेटर्स हमारे लगाने के बाद में ये फ्लो 2 से 3 लीटर में वही सेम काम कर देता है। पर इंडिया में सारे नलों को तो चेंज नहीं किया जा सकता था, तो गौतम जी ने ऐसे एयरेटर्स बनाए जो ऑलमोस्ट हर नल में फिट हो जाएं। अब हमने इसके इतने सारे नए नए डिवाइसेस और शेप्स एंड साइजेस बना लिए हैं कि ये 90% ऑफ इंडियन टैप्स में फिट हो सकता है। और फिर यही एयरेटर्स बनाने के लिए गौतम जी ने इको 365 के नाम से अपनी कंपनी रजिस्टर करी, जिसमें सिर्फ टैप्स के लिए ही नहीं बल्कि और भी सारे वर्टिकल्स को कवर किया जहां से पानी का वेस्टेज होता है। हमने फिर सोचा सिर्फ नल ही क्यों नहीं शावर को, टॉयलेट को, यूरिनल्स को, टॉयलेट गन को रेट्रोफिट किया जाए और पानी बचाया जाए। गौतम जी ने अब तक 2000 प्लस क्लाइंट्स के साथ 4000 से भी ज्यादा प्रोजेक्ट्स पर काम किया है, जिससे वो 3500 करोड़ लीटर से भी ज्यादा पानी पिछले 10 सालों में सेव कर चुके हैं। हमारा गोल है ज्यादा से ज्यादा वाटर सेवर्स लगाए जाए और पानी बचाया जाए। वाटर स्कैर्सिटी की जो प्रॉब्लम है इंडिया में वो खत्म हो जाए इन वाटर सेवर्स की मदद से। अब सोचिए अगर हम सब सिर्फ अपने अपने घर में इन एयरेटर्स का यूज करना स्टार्ट कर दें तो कितना सारा पानी वेस्ट होने से बचाया जा सकेगा। पानी बचाना इज इक्वल टू एनर्जी सेविंग, मनी सेविंग, इलेक्ट्रिसिटी सेविंग और एनवायरनमेंट सेविंग। ऑल्सो इस वीडियो के थ्रू मैं गवर्नमेंट अथॉरिटीज से भी रिक्वेस्ट करूंगा कि वो ऐसे प्रोडक्ट जिससे पानी बचाया जा सकता है उससे ज्यादा से ज्यादा सर्कुलेट करें। ऑल्सो हमें ये प्रोडक्ट काफी इंपॉर्टेंट और यूजफुल लगा, इससे पानी का वेस्टेज काफी हद तक बचाया जा सकता है, इसीलिए इको 365 की स्टोरी हम आपसे शेयर कर रहे हैं। दिस इज नॉट अ पेड प्रमोशन। तो अगर आप इको 365 के प्रोडक्ट्स लेना चाहते हैं तो आप इजीली इस वेबसाइट पर जाके ऑर्डर कर सकते हैं, और अगर आपको गौतम जी से कांटेक्ट करना है तो आप उन्हें इस ईमेल आईडी पर मेल कर सकते हैं। तो अगर आपको ऐसा लगता है कि एयरेटर्स एक इंपॉर्टेंट चीज है तो इस वीडियो को इतना सर्कुलेट कीजिए कि गवर्नमेंट अथॉरिटीज तक पहुंच जाए और उनको वाटर सेव करने का एक रिलायबल तरीका मिले। इंडिया में वाटर क्राइसिस तभी अवॉइड हो पाएगा अगर इसके लिए हर एक इंसान अवेयर हो पाएगा। That's it for this video. See you next Wednesday. हम ऐसे ही environment awareness पे films बनाते हैं, तो अगर आप environment को लेके थोड़ा सा भी serious हैं और उसे save करना चाहते हैं तो आप EcoFreaks नाम के Facebook group को join कर सकते हैं।
इसमें हम ऐसे लोगों की कम्युनिटी बनाना चाहते हैं जो एनवायरमेंट के बेटरमेंट के लिए कुछ कर रहे हों। तो अगर आप किसी ऐसे को जानते हैं या आप खुद कुछ ऐसा कर रहे हैं तो आप इस ग्रुप में जाके पोस्ट कर सकते हैं सो दैट और लोगों को इसके बारे में पता चले। लिंक डिस्क्रिप्शन में मेंशन है। थैंक यू एंड टेक केयर।